अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन स्टेट गवर्नमेंट क्लास 7th स्वीक्स। टुडे आवर टॉपिक इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड विधान परिषद और अपर हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड विधान परिषद और अपर हाउस। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां पे भी दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड अपर हाउस बट लेस पावरफुल एज कम्पेयर टू लोकसभा। सेम इज द केस इन स्टेट लेवल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड अपर हाउस बट लेस पावरफुल एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पे भी दो हाउसेस होंगे, जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज पर। इट कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो उसका साइज होना चाहिए वो मोर देन 1/3 नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली से। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट लेस देन 40। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज होना चाहिए ये 40 से भी कम नहीं होने चाहिए। जो वहां के मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, एक तो ये डिपेंड करता है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली पे। नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। तो वी कैन से लेजिस्लेटिव काउंसिल इज आल्सो कॉल्ड विधान परिषद और अपर हाउस लाइक राज्यसभा। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पे दो हाउसेज है, जिस स्टेट में बाइकैमरलिज्म है, तो ये वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली पे डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज कितना होना चाहिए। इट कैन नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। डिस्कस अबाउट कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ इलेक्टेड होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट एमएलएस। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ होती है, जो टोटल मेंबरशिप होती है वहां की, उसमें से 1/3 इलेक्ट करते हैं स्टेट एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो उनका वोट डालते हैं और 1/3 टोटल मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। सेकंड इज 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज। 1/3 टोटल मेंबर्स जो है उनको इलेक्ट करते हैं लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज मीन्स जो मेंबर्स होते हैं पंचायत में और म्यूनसिपलिटीज में। जो पंचायत में मेंबर्स होते हैं लाइक सरपंच, पंच एंड इसी तरह जो लोकल म्यूनसिपलिटीज में होते हैं, तो उनको वो वोट डालते हैं, उनको 1/3 वो इलेक्ट करते हैं। 1/12 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स। 1/12 जो है वो इलेक्ट करते हैं उस स्टेट के ग्रेजुएट्स, लेकिन जो वहां पे 3 साल से रह रहे हैं वही वो 1/12 इलेक्ट कर सकते हैं और उनको राइट वोट है। 1/12 आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। 1/12 जो है उनको टीचर्स इलेक्ट करते हैं, लेकिन वो टीचर्स जो पिछले 3 साल से वहां पे टीचर्स है, 3 साल से वो टीचर्स है और नॉट बिलो द सेकेंडरी लेवल। वो जो टीचर्स होने चाहिए वो मोस्टली होते हैं लेक्चरर्स, सर जो मास्टर ग्रेड के होते हैं वही उनको वोट डालते हैं। 1/6 आर नॉमिनेटेड। यहां तक हमने देखा ये सारे जो थे ये इलेक्टेड थे। अब देखेंगे नॉमिनेटेड कौन है, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इट इज पार्टली नॉमिनेटेड एंड पार्टली इलेक्टेड। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ मेंबर जो नॉमिनेटेड होते हैं जिनको कोई इलेक्ट नहीं करता है, दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। जो टोटल मेंबर्स है उसमें से 1/6 मेंबर जो है टोटल मेंबरशिप उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कुछ फील्ड्स में लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, तो तब उनको गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है और गवर्नर उनको नॉमिनेट करता है। तो हम देखेंगे जो टोटल मेंबर्स है उसमें से 1/3 जो है वो एमएलएज इलेक्ट करते हैं थ्रू राइट वोट, वो उनको वोट डालते हैं। 1/3
are elected by MLAs, and one third are elected by local bodies like panchayats and municipalities. 1/12 are elected by graduates, लेकिन जो पिछले 3 साल से वहां रह रहे हैं, and 1/12 are elected by teachers, लेकिन जो teachers हैं, वो पिछले 3 साल से वहां पे सर्विस कर रहे हैं और सेकेंडरी लेवल के टीचर्स वो होने चाहिए, मोस्टली जो मास्टर ग्रेड के होते हैं या हायर सेकेंडरी लेक्चरर्स. 1/6 आर नॉमिनेटेड बाई गवर्नर, 1/6 जो है उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आर्ट में, साइंस में, या लिटरेचर एंड सोशल सर्विस. डिस्कस अबाउट क्वालिफिकेशंस नीडेड टू बी ए एमएलसी. एमएलसी बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. फर्स्ट इज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. पहले वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब वो इलेक्शन लड़ सकता है, तब वो एमएलसी बन सकता है. सेकंड इज मस्ट बी 30 इयर्स ऑफ ओल्ड. उसकी जो एज होनी चाहिए वो अबो 30 होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30. थर्ड इज नॉट बी ए क्रिमिनल. वो सीरियल क्रिमिनल नहीं होना चाहिए. अनदर इज मेंटली साउंड. जो मेंटली साउंड हो वही एमएलसी बन सकता है, वही इलेक्शन लड़ सकता है. जो अनसाउंड मेंटली होगा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता एमएलसी के लिए. फुलफिल देयर अदर क्वालिफिकेशंस लेड बाय द पार्लियामेंट. जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस टू बिकम एमएलसी, तो वो उसको फुलफिल करने हैं. अनदर क्वालिफिकेशन इज जिस सीट से वो एमएलसी के लिए लड़ रहा है तो वो उस सीट की वोटर लिस्ट में होना चाहिए. जिस स्टेट में वो इलेक्शन लड़ रहा है एमएलसी बनने के लिए, उस स्टेट के वोटर लिस्ट में उसका नाम जो है रजिस्टर होना चाहिए, तब वो एमएलसी बन सकता है. फर्स्ट इज मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. सेकंड मस्ट बी 30 इयर्स ओल्ड. उसकी जो एज होनी चाहिए वो 30 इयर्स होनी चाहिए या अबो 30. नॉट बी क्रिमिनल. वो सीरियल क्रिमिनल भी नहीं होना चाहिए. मेंटली साउंड. जो एमएलसी बनेगा वो मेंटली साउंड होना चाहिए, वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए. फुलफिल द अदर क्वालिफिकेशंस लेड बाय पार्लियामेंट. और जो पार्लियामेंट में टाइम टू टाइम लॉज बनाते हैं रिगार्डिंग दिस क्वालिफिकेशंस टू बिकम एमएलसी, तो उसको वो कंडीशंस फुलफिल करने हैं. अनदर थिंग इज जिस स्टेट में वो एमएलसी के लिए इलेक्शन लड़ रहा है वो उस स्टेट में उसका नाम जो है उस स्टेट के वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तब वो एमएलसी बन सकता है.